नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्यवार्ता टीवी न्यूज। सत्यवार्ता टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। महानगर पालिका पूरे शहर में 78% सफाई बता रही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि नाले में सफाई हुई नहीं। जा रहा हूँ, इससे पहले कई जगह हमने दिखाया है, आपने लोगों ने देखा है। आज मैं ये देखने जा रहा हूँ कि ये सफाई हुई है या नहीं, हम थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करेंगे। तो ये धीरे धीरे पड़ते जा रहा है, आने वाला वक्त में मुझे लगता है ऐसा कि ये नाला ही नहीं रहेगा और इसके ऊपर कुछ ना कुछ और दूसरा बांधा। पाटिल का सुपुत्र महेश साहब, उन्होंने भी ये कहा था कि गटर नाले की सफाई नहीं। महेश चौगले साहब डिबेट हुए थे महानगर पालिका से, आयुक्त साहब से मुलाकात किए थे, तो उन्होंने डिबेट किए थे पत्रकारों के सामने। उन्होंने बताया था कि गटर नाले की सफाई इस साल नहीं हुई। और सर, आज एक बार फिर आप नाले में उतरे हैं, क्या वजह है इसकी? देखिए, एक बार तो हमने पहले उतरा था, ये तो आप सब लोग जानते हो, लेकिन इस बार हमारा गटर नाले में उतरने का कोई ऐसा इरादा नहीं था। मैंने आयुक्त साहब से मुलाकात किया था तो उन्होंने मुझसे कहा था कि पाल साहब, अगली बार तुम गटर नाले में कूदे थे पिछली बार, हैं, आपकी बार मैं कमर कस के उतरूंगा नाले की गटर की सफाई को लेके। तो मुझे लगता है कि जो आयुक्त साहब ने बोला कि हम कमर कस करके हैं तो सफाई कराएंगे, तो मेरे को लगता है कि उनका कमर या तो पतला हो गया और बंधन ढीला होके नीचे हो गया, या तो फिर वो कस के बांधे ही नहीं थे। तो हम तो ऑलरेडी एक साल से ही कमर बांध के रखे थे, मैं पहले से तैयार था कि अगर आयुक्त साहब चुकेंगे तो फिर मेरा कार्यक्रम चालू हो जाएगा। तो वह हिसाब से मैंने आज नाले में उतरा। लेकिन पाल साहब, आप जब नाले में उतरे हो तो वो नाला इतना गंदा तो नहीं दिख रहा, क्योंकि काफी गहराई दिख रही है और पानी भी फ्लो हो रहा है, तो मतलब तो कचरा है। अब नाला है, गंगा तो है नहीं कि वो साफ होगा, स्वच्छ रहेगा। देखिए, जो गंदगी जो दिख रही है, सफाई तो है नहीं, और ये जो गंदा पानी की बात जो कर रहे हो, ये तो आपको मालूम है कि ये नाला बड़ा है और छोटे छोटे नालों से बह करके गंदगी का पानी सर आता है, और बारिश अभी ऊपर वाले के हफ्ता हो गया, बारिश नहीं गिर रही है। और रह गया ये नाले की बात जो आप कर रहे हो, ये नाले की गहराई हमारे यहाँ की जानकारी स्थानिकों ने मुझसे बताया था कि ये नाले की गहराई कम से कम 12-13 फीट है, लेकिन आज आप देख सकते हो मेरे ख्याल से ये 4 फीट भी नहीं है, 4 से 5 भी नहीं है। तो ये धीरे धीरे पड़ते जा रहा है, आने वाला वक्त में मुझे लगता है ऐसा कि ये नाला ही नहीं रहेगा और इसके ऊपर कुछ ना कुछ और दूसरा बांध काम चालू हो जाएगा। पाल जी, आप इतनी बार जो है नाले में कूद चुके हो, कॉर्पोरेशन भी देख देख के थक गई है, लेकिन इसका क्या रिजल्ट निकल जाता है, या फिर खाली आपका प्रदर्शन करना ही मकसद रहता है? मेरा प्रदर्शन करना मतलब नहीं है, और ना ही मैं मुझे निष्कर्ष से कोई वास्ता रखता हूँ। मैं लोगों को जगाने का काम करता हूँ, महानगर पालिका जागे, भिवंडी के नागरिक जागे। आप सबको पता है कि जब से मैंने गटर नाले का मुद्दा उठाया हूँ, कोई भी नेता हमारे इस मुद्दे को लेकर के सामने अब तक डिबेट नहीं कर चुका है, लेकिन इस बार 2-3 ऐसे नेता हैं और अच्छे खासे जिम्मेदार हैं जिन्होंने ये कबूल किया है कि सफाई नहीं हुई है। नाम बताता हूँ, महेश चौगले साहब डिबेट हुए थे महानगर पालिका से, आयुक्त साहब से मुलाकात किए थे, तो उन्होंने डिबेट किए थे पत्रकारों के सामने। उन्होंने बताया था कि गटर नाले की सफाई इस साल नहीं हुई। एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते उन्होंने जब ये बात कबूल किया तो वाकई में सफाई नहीं हुई होगी। फिर एक दूसरा व्यक्ति है, वो भी माना जाना है शहर का बहुत बड़े घराने से और राज्य से वो ताल्लुकात रखता है, विलास पाटिल का सुपुत्र मयूर साहब, उन्होंने भी ये कहा था कि गटर नाले की सफाई नहीं हुई, उन्होंने भी मीडिया के माध्यम से बताया था। तो ऐसे ऐसे लोग जब कहते हैं कि गटर नाले की सफाई नहीं हुई तो वाकई नहीं हुई होगी। आप उतरे थे नाले में सफाई करने के लिए, तो आपका ये क्या दिखाना मकसद था? मेरा यह दिखाने का मकसद ये था कि गटर नाले की सफाई हुई नहीं। पिछली बार महानगर पालिका 94% बताई थी उसके रिकॉर्ड में, इस बार जो है कि उनका अमाउंट 2,22,00,000 रुपए था, लेकिन परसेंटेज जो महानगर पालिका ने दिया है वो है 78%। तो
तो आप ये बताना चाहते हो कि 2 करोड़ रुपए आपको दिया था, आप अकेले सब नाले सफाई कर लोगे? मैं शहर के जनता का पैसा है, वो अगर सफाई नहीं हुई है तो जनता में शो करो, वो पैसे का दूसरे किसी विकास काम में लाओ, ये मेरा उद्देश्य है। आप नाले में उतर के मतलब क्या कार्रवाई करवाना चाहते हो? मैं कार्रवाई ये करवाना चाहता हूँ कि जो बार बार जो अधिकारी ठेकेदार जो भ्रष्टाचार करते हैं, जो लापरवाहियां करते हैं, उनके कार्रवाई हो। दो गमेला आज जो कचरा निकाला तो ये तो समझो समुद्र में से तो एक बाल्टी पानी भी नहीं हुआ। मैंने 2 गमेला निकाला या 200 गमेला निकाला, ये हमने सिर्फ एक कोशिश किया दिखाने का कि इन्होंने कैसे किया है। पाल जी ये बताइए, सीधे शब्दों में पूछना चाहता हूँ कि इतनी बार आप जब नाले में उतरते उसका रिजल्ट क्या निकलता है, फायदा होता है? फायदा होता है शहर को, देखो शहर की आवाम को। शहर के आवाम को फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है यह जनता पे निर्भर करता है, वो महसूस करे। लेकिन हम क्या करना चाहते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। मैं महानगर पालिका, देखो मैं आपको क्लियर कर बता देना चाहता हूँ, अगर हम खामोश बैठ जाएंगे तो ये मनमानी गर्दानी काम करेंगे। किसी को तो आवाज उठाना पड़ेगा, अगर कोई आवाज नहीं उठाएगा तो ये मनमानी गर्दानी काम करेंगे। आप मीडिया वाले अगर कोई चीज को अगर नहीं दिखाओगे तो ये बिंदास काम करेंगे, इसलिए दिखाने का काम क्या है? आपके पीछे कौन सी ताकत खड़ी है? मेरे पास जनता की ताकत है, मेरे पास जनता की ताकत है, जनता का प्यार है। जनता आ नहीं रही है, आप तो बोलो कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। देखो कोई जरूरी नहीं है कि जनता जनता साथ में खड़ी रहे, तो भी जनता नेता वो नेताओं का काम है साथ में 100 पीस करने का। और मैं आपको एक बात और यहाँ बता देना चाहता हूँ कि इस बार 2023 में सफाई को लेकर हमारे 2 ऐसे नेता है, वही शेख साहब, उन्होंने चुनाव के वक्त पे जब रिजल्ट आने वाला था 2 दिन पहले आयुक्त साहब से मुलाकात किए थे और मीडिया के माध्यम से बोले थे उन्होंने कि मैं इस बार जो है कि गटर नाले में जो लापरवाहियां होती हैं मैं उसका सर्वे करूंगा जगह जगह जाकर के और उसका निरीक्षण करूंगा और उसका जवाब हम आयुक्त साहब से मांगेंगे। लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि अब तक उन्होंने कोई सर्वे किया है। तो ऐसे बोल बचन करने वाले नेता भी हमारे शहर में मौजूद है, मैं जनता से कहूंगा कि ऐसे लोगों से भी सावधान रहे। और दूसरा एक है रियाज आजमी साहब, उन्होंने भी आयुक्त साहब से मुलाकात किया और उन्होंने कई मुद्दा को लेकर गया था, लेकिन गटर नाले के बारे में उन्होंने कहा था कि हम जगह जगह जाकर GPS फोटो गूगल पर मार मार करके हम आयुक्त साहब को भेजेंगे और उसको हम कार्रवाई करवाएंगे। अभी तक उनका एक भी GPS फोटो आया नहीं। तो मैं जनता से ये कहना चाहता हूँ कि क्या आप सामाजिक कार्यकर्ताओं या संगठनों के ऊपर निर्भर हो? आपके समस्या दुख दर्द को खाली मीडिया सामाजिक संगठन ही देखेंगे? जिनको आप चुन के देते हो वो किस काम के हैं, उनसे क्यों नहीं सवाल करते आप कि हमारे लिए हमारे सुख सुविधा के लिए क्यों ऐसा आवाज नहीं उठाते हो? महानगर पालिका अपने घर से पैसा नहीं देती है ठेकेदारों को, ये पब्लिक का पैसा है और ये व्यर्थ में वो गवा रही है, ये दूसरे काम में आना चाहिए। और एक बात आज यहाँ बता देना चाहता हूँ आपको, आयुक्त साहब का एक बयान आया था, 100 भरो घरपट्टी भरो तो हम सुविधा देंगे। तो आज मैं आप सबके माध्यम से बहुत ही कड़े शब्दों में मैं उनसे एक जवाब मांगता हूं, आयुक्त साहब शहर के हालात रोड का आपको पता है, मैंने भी लोड पोर्ट किया हूं और पूरे शहर को मालूम है, ये गंदगी भी पूरे शहर को मालूम है। जो यहाँ के बस्ती वाले हैं जो टैक्स भरते हैं वो भी मुसीबत में, और जो नहीं भरते हैं वो भी मुसीबत में, ये कहाँ का न्याय है? ये हम टैक्स भरते हैं तो हमको अच्छा चीज चाहिए ना, हमको अच्छी सुविधाएं चाहिए, हमको अलग से रोड बना के दो। तो हमारा जहां तक एक मशवरा है आयुक्त साहब से कि एक काम कीजिए, आप 2 भाग में बांट दीजिए, जो टैक्स देता उनको अलग रोड बना के दीजिए और जो नहीं टैक्स भरता है उनके लिए अलग रोड बना के दीजिए। जो टैक्स भरता है उनके घर के आगे की सफाई कीजिए और जो नहीं देता उनके घर का सफाई मत कीजिए, ये मेरा हिसाब है। क्या मतलब इसका, जो उनका सवाल का मैं जवाब दे रहा हूँ कि उन्होंने जैसा बोला है कि टैक्स भरो तो सुविधा मिलेगी, तो मेरे तरफ से ये मशवरा है। के बाद ये जो आपने किया इसके बाद प्रोटेस्ट के बाद अगला कदम आपका क्या होगा? अगला कदम मेरा ये होगा कि एक बड़ा आंदोलन भ्रष्टाचार महानगर पालिका के भ्रष्टाचार के खिलाफ होगा मेरा, जिसके बारे में हम भ्रष्टाचार विरोधी समिति के अध्यक्ष थाने जिला अध्यक्ष
तुफेल फारूकी साहब के साथ में हमारी बात हो चुकी है और मैं भ्रष्टाचार विरोधी समिति का भिवंडी शहर महासचिव हूँ। हमारी बात हो चुकी है, अगर ये आंदोलन के बाद अगर महानगर पालिका आयुक्त साहब अगर कोई निर्णय अगर उचित नहीं लेते हैं तो 10 दिन के अंदर तो हम एक बड़ा आंदोलन महानगर पालिका के खिलाफ करने वाला हूँ। इसी तरह सबसे पहले खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।